नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद में ईवीएम पर कई सवाल उठाए गए कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में ऐसा है, ईवीएम में वैसा है। इस तरह से कई सारे सवाल खड़े करे गए कि बैटरी कम नहीं थी। इस तरह से बहुत सारे सवाल अपनी तरफ से कुछ बनाए गए, कुछ थे सवाल। इस तरह से बहुत सारे सवाल खड़े हुए, जिसके बाद अब एलविश यादव का हरियाणा इलेक्शन को लेकर वीडियो आया है। बेसिकली उन्होंने ये वीडियो ईवीएम पर बनाया है कि क्या ईवीएम हैक हो सकती थी या फिर ईवीएम हैक हुई थी। तो एलविश यादव का वीडियो का सार कुछ इस प्रकार था। उन्होंने बहुत सारे टॉपिक उठाए, अभी पिछली वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स बताई थी। उन्होंने बहुत सारे टॉपिक उठाए, ईवीएम हमेशा तभी क्यों हैक होती है जब बीजेपी जीतती है, जब बीजेपी हारती है तब ईवीएम हैक नहीं हो सकती क्या, मतलब जिन राज्यों में बीजेपी की हार होती है क्या वहां पर भी ईवीएम हैक होती है। इस तरह से एलविश यादव ने कई सारे सवाल खड़े करे। एलविश यादव का ये वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा चल रहा है इस समय भाई। लगभग वीडियो का आए हुए 5 घंटे होने वाले हैं और लगभग 6 से 7 लाख लोगों ने अभी तक का इस वीडियो को देख लिया है, जिसमें से 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक का इस वीडियो को लाइक कर दिया है। जब तक का आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे उम्मीद है कि 1.5 से 2 लाख लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। तो एलविश यादव का ये वीडियो शानदार है, काफ़ी अच्छा बताया है उन्होंने। सारी फैक्ट बेस्ड बात एलविश यादव ने इस वीडियो में रखी है, जिसके बाद से पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन आया। अब लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा कि आपको ध्रुव राठी का वीडियो पसंद है या फिर एलविश यादव का। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हो, ये सवाल पब्लिक ने ही पूछा है, जिसके बाद जवाब में इस सवाल के आप देख सकते हो लगातार एलविश यादव एलविश यादव एलविश यादव लिखा रहा है कि पब्लिक को एलविश यादव का वीडियो ज़्यादा पसंद आ रहा है। जो एलविश यादव ने ये वाला वीडियो डाला ना भाई, इसमें इन्होंने फैक्ट बेस्ड बात ही करी एलविश यादव ने, तो लोगों को ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और ध्रुव राठी का तो आप पिछले काफ़ी समय से देख सकते हो कोई वीडियो ही नहीं आ रहा है, जब से बीजेपी की लोकसभा में जीत हुई है ना, उसके बाद काफ़ी कम वीडियोस बनानी शुरू कर दी ध्रुव राठी ने। उससे पहले तो भाई बहुत वीडियोस बना रहे थे ध्रुव राठी, अब तो बहुत कम वीडियोस बनानी कर दिया है ध्रुव राठी ने। लोग भी इस सवाल को कह रहे हैं कि आखिर ध्रुव राठी अब क्यों वीडियो नहीं बना रहे हैं, पहले तो बहुत वीडियोस बनाते थे। अब एलविश यादव ने देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है, हालांकि मैं ध्रुव राठी को भी बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, बट लेकिन एलविश यादव का जो ये वीडियो था, एलविश यादव ने सारी फैक्ट बेस्ड बातें रखी, बड़ा शानदार वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके देख लेना, और पब्लिक ने इसे खूब पसंद करा, सोशल मीडिया पर इस वीडियो की काफ़ी तारीफ हो रही है। हालांकि एलविश यादव से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और वो इस टाइप की वीडियोज़ बनाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।